हरियाणा की कोई भी बेटी अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, किसी भी प्रकार की उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की अगर उसको कोई समस्या है तो वो 101% मेरे को संपर्क करेगा या मेरे आयोग की मेल पे जो है अपनी शिकायत भेज सकती है। आयोग की मेल है mahilaayog@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8950730660। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर 6-7 के महिला थाने की, जहां पर हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल पहुंची हैं, जिनके द्वारा पूरे थाने का निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि थाने की एक एक चीज को देखा जा रहा है और रजिस्टर्ड भी चेक किए जा रहे हैं वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल द्वारा। इतना ही नहीं, महिला पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। महिला आयोग की चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल का कहना है कि ये कोई शिकायत के आधार पर यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि महिला आयोग की तरफ से ऐसे समय समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। तो इस तरह से इसी कड़ी में आज पानीपत के महिला थाने में निरीक्षण किया गया है और कंप्लेनेंट रजिस्टर्ड भी चेक किया गया। मौके पर एक शिकायतकर्ता को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी ली गई कि इस मामले में महिला थाने की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल का कहना था कि अभी तक यहाँ पर जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें से अधिकतर मामलों का समाधान हो चुका है, लेकिन अभी तक कई ऐसे मामले हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेरी हरियाणा की हर बेटी, हर बहन, हर महिला को एक संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी हरियाणा की कोई भी बेटी अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, किसी भी प्रकार की उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की अगर उसको कोई समस्या है तो वो 101% मेरे को संपर्क करे, मेरे को उस बात को मेरे तक पहुँचाए। तो मेरे 100% एफर्ट्स होंगे कि मैं तन मन और धन सब तरह से उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहूँगी। कोई नंबर वगैरह जारी करेंगे मैम आपको? जी, मेरा जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकती है या मेरे आयोग की मेल पे जो है अपनी शिकायत भेज सकती है। आयोग की मेल है mahilaayog@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8950730660। किस तरह की शिकायतें मैम आपके पास की आ सकती हैं? किसी भी तरह की शिकायत अगर उसको कहीं पे किसी वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत है या अपने घर में किसी से कोई दिक्कत है या सोसाइटी में कोई छींटा कसी हो रही है, मतलब अगर उसको किसी भी तरह का कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से आम समाज में रहने वाली महिलाओं को भी एक मैसेज दिया है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती है, अगर उन्हें लगता है कि उनका शोषण हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो महिला आयोग की वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर कहा कि कोई भी महिला जो मुसीबत में है वो उन्हें कॉल कर पूरे मामले से अवगत करा सकती है, वो पूरी कोशिश करेंगी कि उनकी समस्या का समाधान करें। आज जो है पानीपत महिला थाने का जो है निरीक्षण किया है और जिसमें मुझे यहाँ DSP कृष्ण कुमार जी और SHO मैडम आशा जी और इनका पूरा स्टाफ सबसे मेरी मुलाकात हुई। इनका हमने कंप्लेंट रजिस्टर SP ऑफिस से जो कंप्लेंट्स आती हैं और डायरेक्ट कंप्लेंट जो थाने में आती है दोनों देखे हैं। साथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर हमारे साथ रजनी गुप्ता जी, इनकी भी कुछ कंप्लेंट्स के बारे में इनसे बातचीत की है कि क्या क्या इनके पास कितनी दरख्वास्त आई। तो ऑल इन ऑल हमने ऑलमोस्ट पूरा थाने का विजिट किया है और जिसमें ये मिला कि 111 कंप्लेंट जनवरी से और अब तक इस थाने में आई हैं, जिसमें से थाने ने 82 कंप्लेंट को शॉर्ट आउट करवा दिया है, जिसमें उनके घर भी बसे हैं और जो आपस में लड़ाई झगड़े के मैटर थे इनको उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट से सारे स्टाफ ने मिलकर SHO DSP और अदर हेड कॉन्स्टेबल SI उनको शॉर्ट आउट किया है। इसमें 6 FIR इसमें थाने में हुई हैं 111 कंप्लेंट्स में से और पेंडिंग अभी इनके पास 24 है, तो पेंडिंग कंप्लेंट्स पे भी जल्दी से जल्दी थाना कार्य करेगा। बिल्डिंग अभी आपने निरीक्षण किया, आपने पीछे देखा तरपाल लगा तो उसके नीचे स्टाफ बैठा है, महिलाएं आती हैं आपसे शिकायत लेकर? एक्चुअल में क्या है, अभी बिल्डिंग पीछे था एक तिरपाल लगा हुआ है महिलाओं को धूपना लगे उसके लिए और अभी DSP साहब ने बताया कि इनके थाने की नई बिल्डिंग जो है बन रही है, एक महीने में थाना शिफ्ट होने वाला है, लेकिन उसके बीच में भी मैंने DSP साहब को रिक्वेस्ट की है कि भाई इस बीच में भी एक छोटा सा जो स्पेस है हमारे पास लोगों के बैठने के लिए कंप्लेनेंट्स के, उस पर शेड जो है सरकार स्वास्थ्य ने की लगवा देंगे।
एक शिकायतकर्ता से भी आपने फ़ोन पे बात की है, क्या शिकायत थी उनकी और कब उन्होंने कंप्लेंट की थी? एक शिकायतकर्ता की 24 तारीख की कंप्लेंट थी जिसको मैंने अभी कॉल किया था, तो उनकी यही कंप्लेंट थी, अपने पति से कुछ उनका झगड़ा था, तो वो कंप्लेनेंट भी कह रही थी कि थाने वालों ने कल भी उसको कॉन्टेक्ट किया है, अभी भी मैंने उसको बोला है कि अभी आ जाओ आपका अभी करवाते हैं हम अपने सामने ही, लेकिन उसका कहना है कि वो कहीं अपने मदर के घर गई हुई है और वो सुबह 9 बजे यहाँ आएगी और निश्चित रूप से थाना उसको जो है सॉल्व करवाएगा। मैडम आज का दौरा जो रूटीन का था या कोई शिकायत थी जिसके दौरान आज आप यहाँ पहुँचे? कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ ये टाइम टू टाइम जो है आयोग जो है संज्ञान लेता रहता है किस तरह की वर्किंग थाना कर रहा है, किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है और हमारी कंप्लेनेंट्स वहाँ पे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। आज हमने कंप्लेनेंट जो है उसको फ़ोन पे कॉल भी किया है, तो इस तरह की कार्रवाई आयोग करता रहता है। हरियाणा के तमाम जो है महिला थानों में हो रही है एडमिशन आपका? निश्चित रूप से हरियाणा के हर ज़िले में हम एक एक करके जा रहे हैं, कई दिन पहले सोनीपत में हम गए थे और आज जो है पानीपत में आना हुआ है। मैम क्राइम अगेंस्ट वीमेन के मामले इन तमाम बातों के बावजूद भी लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आयोग की क्या रहती है कि किस तरीके से आयोग उनको हैंडल करता है? आयोग का काम है महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, महिलाओं की आवाज़ को ऊंचा उठाना, अगर कोई बेटी बहन या कोई भी महिला पीड़ित है उसको 100% न्याय दिलाना आयोग का काम होता है और आयोग 24 घंटे उस पर तत्पर रहता है। रही बात इतना काम होने के बाद भी आप कह रहे हो कि महिलाओं के मामले सामने आते हैं, ये समाज जो है इसमें अच्छाई और बुराई दोनों है, पूरी तरह से तो कभी भी किसी बुराई को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको 100% कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो आज पानीपत के सेक्टर 6-7 में बने महिला थाने में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जिनके द्वारा पूरे थाने का निरीक्षण किया गया, साथ ही क्या कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने पर्सनल नंबर भी शेयर किया कि अगर कोई भी महिला को कोई भी दिक्कत होती है तो वो उन्हें इस नंबर पर कॉल कर पूरे मामले की जानकारी दे सकती है और उनका यही प्रयास रहेगा कि वो हर एक महिला की समस्याओं का समाधान करे और वो उनके साथ खड़ी भी हमेशा रहेंगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।